निशा बैठक की अध्यक्षता कर रहे हमारे मुख्य अतिथि जयंत सिंह सर। मैं जैसा सर ने सबसे पहले एक क्विक राउंड ऑफ इंट्रोडक्शन होगा, तो मेरा सब लोगों से निवेदन होगा कि एक बार संक्षेप में अपना परिचय दे दें और उसके पश्चात हम बैठक को आगे बढ़ाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक नियमित तौर पर समय समय पर दिशा बैठकों का आयोजन किया जाता है, जिसमें मुख्य तौर पर तो जो केंद्रीय योजनाएं हैं सेंट्रल स्कीम्स, उनकी समीक्षा की जाती है कि उनका क्या स्तर है, क्या फॉलोअप है। लेकिन हमारा ये प्रयास रहता है कि क्योंकि एक अवसर रहता है कि जब जिला प्रशासन के अधिकारी भी एक ही स्थान पर एक ही समय पर उपस्थित होते हैं और साथ ही साथ हमारे जनप्रतिनिधि भी रहते हैं, तो हम इसको थोड़ा सा विस्तृत करके प्रयास ये करते हैं कि जो छोटे मोटे विषय जो समय समय पर आए हों उनका भी समाधान ऑन दी स्पॉट हो सके। और मुझे आभार प्रकट करना है प्रशासन का भी और ज़िला अधिकारियों का भी, पूरा सहयोग करते हुए लगभग 3 घंटे उन्होंने हमारे प्रत्येक जनप्रतिनिधि के प्रश्नों का भी उत्तर दिया, उनके छोटे छोटे समस्याओं और विषयों का समाधान भी किया। और आने वाले समय में हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो कठुआ में बड़ी तीव्र गति से चल रहे हैं, उसमें से मुझे लगता है कि प्रमुखता से शाहपुर कंडी का पहला फेज़ इस साल के ख़त्म होने तक हो जाएगा। उज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कई वर्षों से यहाँ पर रुका पड़ा था। मेरी जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से चर्चा हुई, उन्होंने एक बैठक भी वहाँ पर बुलाई थी और शायद आने वाले समय में उनका यहाँ दौरा भी रहे। उसके हम जो भी बॉटल नेक्स थे उसको क्लियर करके, कुछ एक छोटे छोटे उसके विषय थे, मुझे विश्वास है कि इस साल के ख़त्म होने से पहले पहले हम उस प्रोजेक्ट की भी शुरुआत कर देंगे। उसके अतिरिक्त लखनपुर प्रवेश द्वार पर एक टूरिज़्म विलेज बनाने की योजना है, एक भव्य द्वार बने ताकि जो भी बाहर से यात्री आएँ उन्हें आते ही लगे कि वो जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर रहे हैं। और वो वहाँ पर वो पुल है जहाँ पर हमारे माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी की गिरफ्तारी हुई थी और उसके आगे आ कर के महाराजा गुलाब सिंह की मूर्ति है, तो एक उनको आते ही प्रवेश करते ही एक सुखद अनुभव महसूस हो जम्मू कश्मीर, उसको लेके योजना है। और तीसरा एक हमारे पहले हमने एक प्रस्ताव रखा था कि एक कैंसर अस्पताल यहाँ पर स्थापित किया जाए टाटा मेमोरियल की तर्ज पर, जैसे अभी हाल ही में मोहाली में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया। उसको लेकर के हमें दिक्कत क्या आ रही थी कि कहीं इमारत या जगह की शिनाख्त हो जाती। आज हमने कलेक्टर साहब के आगे बात रखी है, उन्होंने आश्वस्त किया कि जल्द ही कोई इसके लिए कोई ऐसा लोकेशन वो तलाशेंगे और हमारे ध्यान में लाएंगे ताकि हम उस कार्य में भी आगे बढ़ सकें। जम्मू कश्मीर में नए राजनीतिक इससे ये जाहिर हो गया कि वो लोग जो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी कथित तौर पर विभाजन की राजनीति करती है, वो खुद विभाजित होकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में युवाओं की स्थिति बहुत बुरी है, रिक्रूटमेंट में लगभग स्कैम सामने आ रहे हैं अभी आज भी। लेकिन मुझे इस बात की हमें संतोष है कि उसकी जांच की जा रही है। हुआ क्या है कि ये जब से कंप्यूटराइज सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ है, ये केवल जम्मू कश्मीर में नहीं अनेकों प्रदेशों में इस तरह का आया है और उसकी सीबीआई को जांच भी दी गई। हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरह का हुआ, राजस्थान में भी इसी तरह का हुआ, हर जगह से। क्योंकि जब ये किसी एजेंसी को दे दिया जाता है तो कई बार क्या होता है कि उम्मीदवारों की संख्या बहुत अधिक होती है, वो आगे वेंडर्स को दे देते हैं। मुझे लगता है कि इसके लिए भी कोई आने वाले समय को इस प्रकार के नियम बनाने पड़ेंगे कि इसमें पिलफरेज और इस तरह की गड़बड़ करने की गुंजाइश ना रहे। देखते जाइए, अब जैसे शाहपुर कंडी का पहला फेज शुरू होगा और मेरी मुख्यमंत्री पंजाब से भी बात हुई है और भगवंत मान भी उसमें बहुत रुचि ले रहे हैं और बहुत जल्दी हमारा एक बहुत भव्य वहाँ पर एक पर्यटन स्थल भी बनने वाला है।
ठीक है भाई।